मीरा मुखर्जी उन गिनी चुनी भारतीय महिला मूर्ति शिल्पियों में से हैं जिन्होंने भारत ही नहीं अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत ही नाम कमाया और प्रख्यात हुई, विश्व प्रसिद्ध हुई। मीरा मुखर्जी का जन्म 1923 में कोलकाता में हुआ था और वहीं पर उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट स्कूल से, जबकि वे 14 साल की थी, वहीं से उन्होंने अपना अध्ययन प्रारंभ किया था। 1947 के आसपास उन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक में अपने आप को एनरोल करा और वहीं से उन्होंने ग्राफिक, मूर्ति शिल्प और पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया, क्योंकि इसी दौरान उन्होंने ट्रेवल किया जर्मनी में 1953 और वहां पर उन्होंने पेंटिंग का अध्ययन किया, जो कि वहां का प्रसिद्ध कॉलेज है होशुले फॉर बिल्डन कंस्ट, जो कि म्यूनिख में है, वहां से उन्होंने अपना कला का अध्ययन किया, क्योंकि वे बचपन से ही कला के प्रति बहुत ही ज्यादा आकर्षित थी और उन्हें कलाकार ही बनना था, इसलिए उन्होंने अपना पूरा अध्ययन कला को समर्पित किया। लेकिन बाद में उन्होंने पेंटिंग को छोड़ दिया क्योंकि उनका पेंटिंग में अध्ययन था, लेकिन और वे मूर्ति शिल्प की ओर आकर्षित हो गई। तो इस तरीके से उन्होंने इसी का प्रशिक्षण लिया और डोकरा कास्टिंग, जो कि उस वक्त की प्राचीन पारंपरिक एक मूर्ति कला का एक प्रकार है, उससे वे बहुत प्रभावित हुए और बहुत ही ज्यादा प्रभावित होने के बाद बस्तर छत्तीसगढ़ में, जो कि भारत के एक क्षेत्र है, वहां पर डोकरा कास्टिंग सबसे ज्यादा किया जाता है, जिसे लोस्ट वैक्स टेक्निक भी कहा जाता है। तो उसी से वे प्रभावित होकर उसका उन्होंने अध्ययन किया और उन्हीं के साथ ही वहां पर पारंपरिक तरीके से उन्होंने उस कला को सीखा और एज ए अप्रेंटिस वहां पर काम किया। इस तरीके से जो उनकी मेटल कास्टिंग होती है, जिसे लोस्ट वैक्स मेथड भी कहा जाता है, उसी में उन्होंने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया और वहीं से ब्रोंज कास्टिंग का खुद का भी एक तरीका विकसित करना उन्होंने आरंभ कर दिया। तो ब्रोंज में जब वे कास्टिंग करती थी, तो क्योंकि ब्रोंज का एक हार्डनेस होता है, देखने में उसका एक ठोसपन, कठोरपन हमें नजर आता है, उसके स्थान पर इनके कलाकृतियों में बहुत ही ज्यादा डेलिकेसी नजर आने लगी। उनका जो फिनिश्ड अपीयरेंस था वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट हुआ करता था और उनके कामों में एक बहुत ही अलग तरीके का लय और गति हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इन्होंने भी तकनीक तो डोकरा कास्टिंग वाली यूज करी, लेकिन उसके जो विषय और उनकी शैली थी वो पूरी तरीके से अपनी मौलिक अंदाज में इन्होंने प्रदर्शित किया। तो उनके जितने भी मूर्ति शिल्प बने, उनके जो विषय थे वो भी बहुत साधारण से विषय उन्होंने उठाए, जैसे कॉमन मैन जो अपने दैनिक जीवन में रोजाना के काम करता है, या जैसे मछुआरा है, या बुनाई करने वाली महिलाएं हैं, सिलाई करने वाली, या श्रमिक है, इस तरीके के और भी अदर जितने भी काम करने वाले वर्कर्स हैं, उन सभी को उन्होंने अपने विषयों के रूप में अपने काम में स्थान दिया। और उनके कामों में बंगाली जो कैलीग्राफी है, उसके साथ बंगाली नेचर, बंगाली म्यूजिक और वहां का जो नृत्य है, उन सभी के तत्व भी साफ झलकते हैं, क्योंकि वे स्वयं बंगाली थी, तो इस तरीके से वहां की सारी चीजों का प्रभाव उनके काम पर आना स्वाभाविक था। बाद के उनके कामों में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी आ जाती है और इतनी स्पिरिचुअल जो उनका डायमेंशन उनके कामों में दिखता है, उससे सूक्ष्मता भी उनके कामों में झलकने लगती। तो दो तरीके से इनके कामों को हम व्याख्या कर सकते हैं। एक तो उनके कामों में सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमनिज्म, मानवता का जो था वो उत्सव था, एक प्रभाव था, मतलब उसमें फ्रीडम थी, क्योंकि एक साधारण सी विषय को ही उन्होंने बहुत ही असाधारण तरीके से डिपिक्ट किया था। और दूसरा जो था वो उसमें एक अलग तरीके का कहना चाहिए कि फ्रीडम और लिबरेशन के बियॉन्ड जाकर वे काम करते, इसलिए उनके काम एक अलग पहचान बना पाए। और मीरा मुखर्जी जो है वो इसीलिए एक ऐसे, क्योंकि भारत में उस वक्त जो कला था, जगत था, वो ऐसे दौर में था जब एक ट्रांजिशन पीरियड था, तो ऐसे में एक महिला होने के नाते जब वे मूर्ति कला के क्षेत्र में उभर कर सामने आती है, तो एक अपनी एक अलग ही पहचान बनाती है। तो मीरा मुखर्जी को भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से भी नवाजा गया, जो कि 1992 में उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया।
इसके पश्चात उन्हें 1968 में प्रेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो कि मास्टर क्राफ्ट्समैन के लिए दिया जाता है। और इसी के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तथा अवनींद्रनाथ अवार्ड भी उन्हें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया गया 1981। 1998 में आपका निधन हो गया। तो मीरा मुखर्जी के कामों में हम ये कुछ काम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे बस में यात्रा करते हुए यात्री हैं, और बहुत ही एक अलग अंदाज में इन्होंने अपनी मूर्ति शिल्प में इन विषयों को चुना है। साधारण से विषय हैं, लेकिन इनका डिपिक्शन इतना असाधारण है कि वो यथार्थवादिता से बहुत ही दूर चले जाते हैं और एक अलग ही प्रभाव छोड़ते हैं। मीरा मुखर्जी के बहुत ही मौलिक शैली के ये काम हम देख रहे हैं। देखिए, मछुआरे हैं और अभी मछली पकड़ने का जाल ये फैला रहे हैं, बहुत ही अमूर्तता के साथ, और कितने सटीक अभिव्यक्ति इन्होंने अपने कामों में की है। इनकी एक अलग ही शैली है, और इनके कामों को देखकर हम साफ पता कर सकते हैं कि ये मीरा मुखर्जी के स्कल्पचर्स हैं। कास्टिंग इन्होंने वही लोस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया है, डोकरा कास्टिंग जिसे हम बोलते हैं, लेकिन उसी में इनका अपना एक अलग शैली है और मौलिक अंदाज है। ये मीरा मुखर्जी ने अपने ब्रोंज कास्टिंग में किए हैं कान। इस तरीके से गिनी चुनी महिलाओं में मीरा मुखर्जी का नाम भारत के प्रख्यात मूर्ति शिल्पियों में शुमार किया जाता है।